हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C21 के अंदर जो टॉक बैक वाली सेटिंग्स रहती है, अगर वो बाय चांस इनेबल हो जाए तो उसको हम कैसे डिसेबल करते हैं। तो गाइस, वीडियो के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कैसे आप Realme C21 के अंदर जो टॉक बैक वाली सेटिंग्स रहती है उसको डिसेबल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देखोगे तो इसके अंदर हमारी टॉक बैक इनेबल है, तो इसको हम कैसे डिसेबल करेंगे वह मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस आपको टू फिंगर का यूज़ करना है। कहीं भी आप सिंगल फिंगर से ये नहीं चलेगा, टू फिंगर का आप यूज़ करेंगे तभी ये चलेगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और इस पे फिर आपको डबल टिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। तो मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ। ओके, तो गाइज इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वन फिंगर के साथ ही स्क्रॉल डाउन नहीं होगा गाइज। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इस आपको टू फिंगर्स यूज़ करनी है और आप इसको स्क्रॉल डाउन कराएंगे टू फिंगर के साथ। ठीक है गाइज, यहाँ पे आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इस पर आपको। ठीक है गाइज, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम आ जाते हैं। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको डबल क्लिक करना है, तब आप इसको ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे टॉक बैक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका टॉक बैक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है गाइस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, डबल क्लिक करने के बाद गाइस अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टॉक बैक का, आप इसको यहाँ से डिसेबल कर पाएंगे। तो गाइस, डिसेबल करने के लिए सिंपल सा हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको डबल क्लिक करेंगे और ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट हम इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करके इसको हम ऑफ़ करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको ऑफ़ कर दिया। ठीक है गाइस, तो आप इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर जो आपकी टॉक बैक वाली जो सेटिंग्स हैं उनको ऑफ़ कर सकते हो। अब गाइस आप देखोगे तो आपका फ़ोन नॉर्मल है, अब आप एक फिंगर के साथ भी अपने फ़ोन को चला सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से आप टॉक बैक को डिसेबल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।